हिंदी व्याकरण के 15 क्वेश्चन, भाषा व छत्तीसगढ़ी से 15 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर 30 क्वेश्चन और कुछ और प्रश्न देख लेंगे जो महिला परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 अगस्त को महिला परीक्षा का एग्ज़ाम है, मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ है, बिल्कुल प्रैक्टिस या फिर रिवाइज करके जाइएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके व्यापम और PSC में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप हॉस्टल वर्ग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, रिविजन जरूर करेगा, है ना। त वर्ग का उच्चारण क्या है? त वर्ग दंत, त वर्ग ये आप पढ़ोगे ना, क च ट त प, ये आपका टोटल 25 व्यंजन होता है जिसमें स्पर्श व्यंजन वगैरह से व्याकरण से क्वेश्चन लेकर आएंगे, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो ये आपका आएगा 25 व्यंजन होते हैं जिसमें क वर्ग में कलम का, खरगोश के खा, गमल के गा, ये सब इस प्रकार रहता है। च से चरखा के चा, छत्ता के छा, जहाज के जा, झंडा के जा, इया, उसी पर क च ट, टमाटर के ठा, ठठेरा के ठा, ढमरू के ढा, ढक्कन के ढा, बाण केरा, उसी प्रकार इस पर से 5 व्यंजन होता है ना, वही वाला है। त वर्ग का उच्चारण दंत से, प वर्ग का उच्चारण कोष्ठ होगा, ओष्ठ है, कैसे आएगा प वर्ग का ओष्ठ है, जैसे कि देखिए यहाँ पर क च ट त प, तो ये प वर्ग कौन सा है, ओष्ठ है, ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, यहाँ से आपके 2 नंबर पूछा जाएगा, है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको क च ट प याद है, ये फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा व्याकरण का हिंदी। च वर्ग तालु, तालाव्य, ठीक है, च वर्ग तालाव्य। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह जो हमारा वर्ण होता है उनके समूह को क्या कहा जाता है, तो आपको हो जाएगा वर्णमाला कहा जाता है, क्या आएगा वर्णमाला। छत्र त्र और ज्ञा, ये तीनों क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो इसका व्याकरण का एक क्लास लेकर आऊँगा जिसमें ये पूरा सभी क्लासेस अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, वहाँ सबके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। पुस्तक कौन सा शब्द है, तत्सम, पुस्तक तत्सम। यहाँ से देखिए हिंदी में आपका तत्सम, तद्भव वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आग कौन सा तत्सम, आग आपका तद्भव। पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम। टेबुल कौन सा शब्द है, विदेशज, देशज और विदेशज से बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन में पूछते हैं। नाक कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द है, कौन सा है, रूढ़। फूल कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक, ये कम से कम 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, फूल कौन सा शब्द है, जातिवाचक। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम में 1 बार और PSC में 2 बार। लंबोदर कौन सा शब्द है, योग रूढ़, लंबोदर योग रूढ़। सोना कौन सा संज्ञा है, द्रव्यवाचक, कौन सा है, भाववाचक नहीं होगा, भाववाचक में रोना, खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब आएगा भाववाचक। समूह का मतलब होता है ग्रुप, जैसे कक्षा, है ना, ग्रुप के मतलब होते खो खो, कबड्डी वगैरह, ये सब। द्रव्यवाचक जैसे तरल पदार्थ, ठीक है। इसमें कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, मय में उत्तम पुरुष, जैसे कि देखिए उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष इस प्रकार रहते हैं ना, मैं मेरा, ठीक है। मध्य का मतलब क्या होता है, वह, उनका, उनका, इस प्रकार।